एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप अपने घर में अच्छे ही होंगे। तो सुबह के 2:30 बज चुके हैं। क्या बोला तूने? सॉरी, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और मैं अभी ना आई हूँ क्योंकि मैं रात में बहुत लेट सोई थी और लेट से उठी थी, इसलिए बहुत टाइम हो गया। आपने मेरा थंबनेल देख के आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज क्या है। तो आज करवा चौथ है जिसके लिए मैं अभी रेडी हो रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा टच आउट किया है पूजा करने के लिए, जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 2:30 बज गया था और पूजा का वेट का टाइम हो रहा था, बहुत लेट हो रहा था। तो हम लोग पूजा करने जा रहे थे, तो चलिए पूजा कर ही लेते हैं हम लोग। पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद मैंने हलवा पूड़ी सब पकवान बनाए। उसके बाद मैं जल्दी करता। तो मैंने ये चूड़ा पहना था, पाल पहनी थी, आप देख सकते हैं। देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने सूट पहना है और थोड़ा सा टच आउट किया है क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, भोग बनाते बनाते बहुत टाइम हो चुका था। मेरे हस्बैंड ने शेरवानी पहनी थी जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था उन पे, और मैंने ये भोग बनाया था, पूड़ी हलवा और खीर। खीर लेना मैं भूल गई थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। पूजा करते करते आप देख सकते हो पूजा का जो चांद बनाना होता है, उसके बाद आप जो भी बनाए हो और फल आपको चढ़ा देना होता है भगवान जी पे। कंप्लीट हो गई थी, तो आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सभी लोग जागे हुए हैं, पटाखे चला रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर दीपावली जैसे मनाया जाता है ये करवा चौथ, तो आप देख सकते हो अभी 11:30 बजने वाले रात के और सब लोग जागे हुए हैं, लेट भी हो चुकी है। ये मेरी दीपक है, हम लोग दीपक पर रख देते हैं जला के। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड, बहुत दिन के बाद टाइम मिला है शूट करने का, तो थोड़ा फोटो शूट करवाया। उसके बाद आपको कैसा लगा ये ब्लॉग बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।